हरे कृष्ण, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है कर्म योग और इसके श्लोक संख्या 24 लास्ट में डिस्कशन किया। भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, कुछ से दे लोका न कुर्याम कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम मा प्रजा। भगवान कह रहे हैं कि हालांकि मेरे लिए तीनों लोकों में सुलोकेशु किंचन नास्ति कर्तव्यम, कोई कर्तव्य मेरे लिए तीनों लोकों में करने के लिए नहीं है। भगवान कृष्ण, ऐसा कोई कार्य तो काम कर्म कर्तव्य नहीं है जो भगवान कृष्ण को करना ही पड़ेगा, जो क्योंकि वो परम भगवान है, सारे पूरे सृष्टि की रचना वो करते हैं, सब कुछ उससे उनसे ही ऊपर होता है, लेकिन फिर भी भगवान कार्य को करते हैं एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। क्योंकि तो अगर वो नहीं करेंगे धर्म का, कर्तव्य का पालन, तो उनके उदाहरण को अनुसरण करते हुए सारी जो प्रजा है वो उपहन्याम इमा प्रजा, उपहन्याम मतलब नष्ट हो जाए, सब लोग आलसी बन जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर कोई कंपनी वगैरह में प्रोजेक्ट होते हैं, उस प्रोजेक्ट का जो मैनेजर है, लीडर, मेन लीडर, अगर वो मेन लीडर ही कार्य को नहीं करेगा तो बाकी जो उस प्रोजेक्ट के बाकी जो टीम मेंबर होते हैं वो सब आलसी बन जाएंगे। वैसे भी कोई काम थोड़ी ना करना चाहता, अगर मालिक ही नहीं करेगा तो फिर सब आराम से बैठ जाएंगे, कोई नहीं करेगा। दूसरा उदाहरण मान लीजिए कि स्कूल में टीचर, अगर टीचर आता है क्लास में और जो पीरियड है उसमें पढ़ाने की जगह चेयर लगा के बढ़िया सो जाता है तो ये बिल्कुल भी आशा नहीं की जाएगी कि बच्चे लोग भी पढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्या? रात के टीचर मान लो आते हैं और क्लास में बैठ के सो जाएंगे, आप लोग पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। टीचर जब इतना मेहनत करके पढ़ाता है, बोलता है, तब तो बच्चे पढ़ते नहीं है, तब कोई कोई होते हैं जो सीरियस बनते हैं, तो टीचर खुद ही नहीं पढ़ाए। इससे गाँव वगैरह में ऐसा होता है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर आते हैं बढ़िया कुर्सी लगा के आराम से सो जाते हैं, तो टेबल रहता है जहाँ पर बैठ के लिखना होता है, उसमें दो पैर लगाएंगे और फिर बुलाएंगे दो बच्चों, आ जाओ चंगू मंगू पैर दबाओ, और दो को बुलाएंगे हाथ दबाओ, तीसरे को पहुंचने को बोलेंगे जाओ पप्पू के दुकान से चाय लेके आओ। इस तरह से वो जो बच्चे भी निकलते हैं उस स्कूल से क्या रहते हैं, अनपढ़ गंवारी रहते हैं, पढ़ते लिखते नहीं। इसी तरह से भगवान बोल रहे हैं कि अगर मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो मेरे लिए निर्धारित कोई कर्तव्य नहीं, लेकिन मैं नहीं करूंगा तो पूरी जो जनसंख्या है सारे लोग, सब लोग मेरा अनुकरण करते हुए जो है नष्ट हो जाएंगे, यानी वो भी कुछ कार्य नहीं करेंगे। इसलिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम भी अर्जुन श्रेष्ठ लीडर होने के नाते तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुमको करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, नहीं करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा समाज। अब आज के श्लोक में आगे भगवान वर्णन कर रहे हैं, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात् विद्वांस आसक्तश्चिकीर्षुर्लोक संयमः सुत्रम्। अभी तक तो भगवान बताए कि ऐसे लोग जिनको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, किन लोगों को कार्य करने की आवश्यकता नहीं, ये 17 और 18 नंबर श्लोक है। जो कैसे आत्मतृप्तस्य मानवा आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते, तस्य कार्यम न विद्यते, मतलब उनके लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। कौन किन के लिए? जो आत्मतृप्तस्य मानव, जो केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही रहते हैं, भगवान के सेवा भक्ति करने में ही प्रसन्न है, संतुष्ट है, उनको क्या कार्य करने की नहीं है। तो कुछ संसार से धन नहीं चाहिए, कुछ खाने के लिए नहीं चाहिए, पालन पोषण तो भगवान करते ही, वैसे छोटे से चींटी से लेकर के बड़े हाथी को कौन पालता पोसता है, तो
पालन पोषण करते हैं। वो लोग थोड़ी ना कौन स्कूल में जाते हैं क्या, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, कोई जॉब करते हैं क्या? स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं कौन, जॉब कौन करता, धंधा कौन करता? जिसको कुछ चाहिए, धन चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, बड़ा घर चाहिए, कोई दो चार लोग कहने वाले होने चाहिए कि फलाना फलाना जी बड़े पैसे वाले हैं, तो ऐसी जिनकी इच्छाएं होती है वो करने की आवश्यकता। लेकिन जिसको इस संसार का नहीं चाहिए, ऐसा प्रतिष्ठा जानते हैं कि सब यूजलेस है, व्यर्थ, क्या फालतू है, उन लोगों के लिए कोई कार्य नहीं। भगवान ऑलरेडी 17-18 नंबर श्लोक में बोल चुके हैं। वो बोलने के बाद भगवान अचानक से अभी बोल दिए कि लेकिन ऐसे लोग को भी कर्म करना चाहिए, ऐसे लोग को भी कर्तव्य धर्म का पालन करना चाहिए, क्यों? आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। तो अब प्रश्न उठेगा कि ऐसे लोग फिर कैसे करेंगे कार्य, क्योंकि जो लोग जो भौतिकवादी लोग हैं वो लोग कार्य करते हैं कार्य के प्रति आसक्त होकर के, फल की आकांक्षा करके, फल को प्राप्त करने की इच्छा से करते हैं। तो सेल्फ रिलायंस, जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति, जिनके लिए कोई कार्य नहीं है करने के योग्य, करने के लिए उनको कैसे कार्य करना चाहिए, भगवान कंपैरिजन तुलना करके बता रहे हैं। इस श्लोक की बोल रहे हैं, एज द इग्नोरेंट परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद अटैचमेंट टू रिजल्ट। इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी लोग, जिस प्रकार से अविद्वांसो, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अविद्वांस, विद्वान और अविद्वान, समझ उल्टा है। जैसे अविद्वान लोग यानी मूर्ख लोग या अज्ञानी लोग कोई भी कार्य करते हैं विद अटैचमेंट टू रिजल्ट, फल के प्रति आसक्त होकर के कार्य, जिससे ये भी एक शिक्षा मिलती है भगवान। हाँ, गीता इस श्लोक से पता चलता है हमको कि सक्ता कर्माणि अविद्वांसो, जो लोग भी किसी भी कर्म को कार्य को करते हैं कुछ लाभ के प्रति आसक्त होकर के, वो लोग कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं? अविद्वान, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं। इस श्लोक में भगवान पहले लाइन में यही चीज बोल रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे इस संसार में लगभग 100% लोग ऐसे ही करते हैं ना, स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ाई करते हो किस लिए? ताकि अच्छा मार्क्स है ना, वही हो गया ना, यानी फल के प्रति आसक्त हो करके पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स लाना है इसलिए पढ़ाई। कॉलेज में कोई लड़का पढ़ता है डिग्री प्राप्त करने के लिए, क्यों? ताकि अच्छा जॉब मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो पैसा प्राप्त जॉब भी लेना चाहिए, पैसा कमाना है इसलिए कॉलेज में पढ़ाई। और इसी तरह कोई जॉब करता है, नौकरी करता है, इसलिए नौकरी करता है क्योंकि एक महीने का सैलरी जब आएगा अंत में अकाउंट बैलेंस में ट्रांसफर करेगा तब तो नौकरी करेगा ना, अगर बैलेंस नहीं देगा तो फिर कैसे नौकरी करेगा? धंधा करता व्यक्ति क्यों? प्रॉफिट मिलेगा तब तो। कोई अगर 20 रुपए का माल खरीदा है तो कोई ऐसा धंधे वाला व्यक्ति होगा जो उसको 15 रुपए में बेचेगा या 20 रुपए में ही बेचेगा? बेचेगा कोई नहीं, उसके दिमाग में है ना मुझे प्रॉफिट कमाना है, 20 का माल है 30 में बेचूंगा, नहीं 20 का माल है 30 रुपए प्रॉफिट कमाना है, 50 में बेचूंगा। यानी फल के प्रति आसक्त होकर के कार्य करते हैं संसार में हर कोई, और जो इस प्रकार से कार्य करते हैं वो तो क्या बोला गया है, अविद्वांसो। अविद्वांसो का मतलब है द इग्नोरेंट, यानी अज्ञानी, इसको ज्ञान नहीं। तो आप सोचिए आज के समय में बहुत बड़े बड़े पीएचडी बिजली कॉलेज पीएचडी, मार्क वगैरह हाँ प्रश्न लेते हैं आखिरी तो बड़े बड़े जो पीएचडी करते हैं, साइंटिस्ट हैं, विद्वान हैं, बहुत सारी डिग्री इकट्ठा करके रखे हैं, वो सब डिग्री होने के बावजूद भी भगवान क्या बोल रहे हैं, अविद्वांसो, इग्नोरेंट, वो सब अज्ञानी है। तो भगवान उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुमको कैसे कार्य करना है, जिस प्रकार से सक्ता, सक्ता मतलब जो आसक्त लोग हैं कर्म करते हैं, जो अज्ञानी लोग कर्म के प्रति आसक्त होकर के जितनी मात्रा में जैसे कार्य करते हैं, यथा कुर्वन्ति भारत, जिस प्रकार से वो लोग ऐसे कार्य करते हैं, कुर्याद विद्वान तथा असक्ता, उसी प्रकार के कार्य को जो विद्वान लोग वो लोग कैसे कार्य करते हैं, बिना आसक्ति के। चिकीर्षुर लोक संग्रह, केवल किसके लिए, डिजायरिंग टू लीड द पीपल इन जनरल, लोगों को बस सिखाने के लिए कि कैसे कार्य करना चाहिए।
लोगों को शिक्षा देने के लिए। यानी कोई भगवान का भक्त है वो भी धंधा कर सकता है, वो भी पैसा कमा सकता है, लेकिन जो भक्त नहीं है वो धंधा करता है, पैसा कमाता है, इसलिए ताकि खूब पैसा मिलेगा, खूब उसका मैं भोग कर सकूंगा, खूब मेरा नाम होगा, खूब मैं बहुत बड़ा बड़ा हवेली बनाऊंगा, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां होंगी, बहुत कुछ होगा, इस चीज से आसक्त होकर के वो धंधा करता है। लेकिन भगवान का भक्त भी धंधा करता है, वो प्रॉफिट कमाता है, तो जो भक्त नहीं है वो भी देखेगा कि अरे ये भी धंधा कर रहा है, ये भी प्रॉफिट करने के लिए कर रहा है, तो वो सोचेगा ये भी मेरे जैसा है। लेकिन जब एंड रिजल्ट देखेगा, अरे इतना सब कमाने के बाद भी सब भगवान की सेवा में लगा दिया, तो उसको फिर समझ में आ जाएगा, अच्छा इसीलिए इतना प्रसन्नचित रहता है क्या। और मैं सब कुछ कमाने के बाद, इतना लाभ पाने के बाद भी अपने भोग के लिए लगाया, इसलिए मैं दुखी हूँ। जब इस तरह से वो तुलना करेगा ना, तब वो समझ जाएगा कि अच्छा ऐसे कार्य करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र बोलते हैं बिना फल की आसक्ति के कर्म करो। वो शास्त्र को पढ़ने से वो व्यक्ति समझ नहीं पाए, लेकिन जब कोई उदाहरण देखेगा किसी भक्त का, तब वो समझ जाएगा, फिर उसको वो आचरण करेगा और मैच कर लेगा, हाँ शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन इस तरह से तुम कार्य करो, तुम युद्ध को करो। बाकी राजा लोग युद्ध करते हैं किस लिए, ताकि युद्ध करके सारे अन्य राजाओं को पराजित करके अपनी विजय पताका जो है हर जगह फैलाएं, और हर जगह मेरा नाम, वो हर जगह बड़ा बड़ा अपना जो ऐश्वर्य को प्रकाशित करे और खूब भोग करे, फल को प्राप्त करे। लेकिन अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं अर्जुन तुम इस युद्ध करो, इसी तरह से युद्ध करना, इसी तरह से सारे राजाओं को पराजित करो, पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, और सम्राट बनने के बाद क्या करना, सब कुछ जो है मेरे चरण कमलों में अर्पण कर देना। तो लोग जान जाएंगे कि अच्छा ऐसे युद्ध करना चाहिए, ऐसे राजा होना चाहिए, ऐसे जो है ब्राह्मण होना चाहिए, हर कैटेगरी के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धंधा करने वाले, और शूद्र साधारण नौकरी करने वाले, नौकरी करने वाले को क्या बोलते हैं, नौकर, नौकर मतलब शूद्र, और जो धंधा बिजनेस करते हैं वो वैश्य कहलाते हैं, जो राज्य करते हैं, राज करते हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं, और जो कुछ भी नहीं करते हैं केवल लोगों को गाइड करते हैं, सिखाते हैं, वैदिक शिक्षा देते हैं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं। यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, ये 6 कर्म ब्राह्मण के बताए गए, क्षत्रियों के भी बताए गए, वैश्य कृषि गो रक्षा वाणिज्यम, ये वैश्य कर्म स्वभाव भगवान 18 अध्याय बताते हैं। वैश्य के क्या कर्म है, जो कृषि करते हैं, खेती किसानी, नट बोल्ट नहीं बनाते, फैक्ट्री जो बोलते हैं वो वैसे कृषि जो करते हैं, वाणिज्य मतलब धंधा करते हैं, लेन देन करते हैं, अपना सामान किसी को बेचे फिर उसका सामान लिए, और कृषि गो रक्षा, गो रक्षा गाय की रक्षा करते, वो भी वैश्य का धर्म, तो उसको वैश्य के धर्म बताते हैं। इस तरह से हर वर्ण और आश्रम में रहते हुए एक भगवान ये चाहते हैं कि जो भक्त जिस वर्ण और आश्रम में है उसमें रहते हुए उस कर्तव्य को इस प्रकार से करे, ताकि वो धर्म से जोड़ सके, भगवान से जोड़ दे, लोगों के बीच में एक ऐसा उदाहरण मिले। जैसे आप लोग स्टूडेंट है ना, आप लोग स्टूडेंट हैं, तो अगर आप सोचते हैं हमको कृष्ण का भक्त बनना है, तो कृष्ण का भक्त बनने के लिए आपको इस कॉलेज छोड़ना, स्कूल छोड़ने की आवश्यकता नहीं। अगर वो छोड़ते हैं तो वो गलत है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं वो छोड़ना नहीं है। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो कृष्ण के भक्त नहीं है, वो लोग जिस लिए स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उस तरह से नहीं पढ़ना, पढ़ना उनके जैसे ही, उनके जैसे ही मेहनत खूब करना है, खूब नंबर कमाना है, खूब नंबर, अच्छा नंबर लेके आना है। लेकिन वो लोग अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा नाम हो, या हम खूब इस तरह से डिग्री प्राप्त करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन भक्त जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, कि वो इस तरह से पढ़ना चाहते हैं ताकि एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें कि किस प्रकार से भगवान के भक्त लोग का ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते, ताकि लोगों को के सामने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, कि इस प्रकार से अगर आप पढ़ाई करते हैं कृष्ण से जोड़ कर, कृष्ण के लिए, तो आप ज्यादा अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे और आप सुखी भी रहेंगे और मन आपका शांत भी रहेगा। नहीं तो जो अपने लिए भौतिक लाभ के लिए करता है, तो कितना भी भौतिक रूप से सफल भी हो जाए, तो भी क्या रहता है, मन उसका डिस्टर्ब रहता है, अशांति शांति नहीं, शांति नहीं मिलता। वो पैसे भी कमाने वाले लोग हैं, वो भी सुसाइड कर लेते हैं,
कई अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बहुत बच्चा कॉलेज पा लेते हैं, वो भी सुसाइड कर लेते हैं या दुखी रहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसलिए भगवान चाहते हैं सिक्योर सिलेबस। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं, एज द इग्नोरेंट परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद अटैचमेंट टू रिजल्ट, द लर्नेड मे सिमिलरली एक्ट। जो बुद्धिमान है यानी भक्त है, वो विद्वान है, बुद्धिमान है, वो भी उसी प्रकार से कार्य कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन बट विदाउट अटैचमेंट, बिना आसक्ति के, फॉर द सेक ऑफ लीडिंग पीपल ऑन द राइट पाथ, केवल और केवल लोगों को सही रास्ते में लाने के लिए, सही रास्ते में लाने के लिए। सो अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड अ पर्सन नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस आर डिफरेंशिएटेड बाय डिफरेंट डिजायर्स। तो एक व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित है और एक व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, ये कैसे डिफरेंशिएशन होता है, कैसे अंतर पता चलता है, अलग अलग प्रकार की चेतना के बाद कार्य से हम के पता नहीं कर सकते। कृष्ण भक्त भी हो सकता है जो उसी प्रकार से कार्य कर सकता है जैसे साधारण लोग कार्य करते हैं। स्पेशली गृहस्थ भक्त की बात की जा रही है, ब्रह्मचारी तो अलग होते तो दिख जाते हैं बाहर से, चलो हाँ ये कृष्ण, लेकिन जो गृहस्थ होते हैं वो प्राय केवल उनका बाहर से देख के नहीं पता चलता है ये भक्त चेतना क्या है। अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन डज नॉट डू एनीथिंग व्हिच इज नॉट कंड्यूसिव टू डेवलपमेंट ऑफ कृष्णा। कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है, उसका चेतना कैसे रहता है, वो कैसे कार्य करता है, वो केवल उसी प्रकार उन्हीं प्रकार के कार्यों को या उसी उद्देश्य से कार्य करता है जिसके द्वारा उसका कृष्ण के प्रति भक्ति में विकास हो सके। यानी कहने का मतलब है, हर उस प्रकार की इच्छाओं को या हर उस प्रकार के परिस्थितियों को, कार्य को, वस्तु को वो त्याग देता है, छोड़ देता है जो कृष्ण में, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधा बन, उनका त्याग करना चाहिए। लेकिन अगर कोई कार्य है, कोई वस्तु है, कोई परिस्थिति है जो कृष्ण के भक्ति में इस्तेमाल किया जा सकता है, बाधक नहीं है, तो उसको त्यागना नहीं चाहिए। उसको त्यागना जो है बल्कि और गलत है। लेकिन उन वस्तुओं का, उन व्यक्तियों का, उन परिस्थितियों का, उन कार्यों का त्याग करना चाहिए जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने में बाधक है। जैसे उदाहरण के लिए, उस वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे नॉनवेज, चाय कॉफी हुआ, प्याज लहसुन हुआ, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधा है, तो त्याग देना चाहिए। लेकिन सब्जी है, फल फ्रूट है, मिल्क है, ये त्यागने के लिए नहीं बोला जा रहा। आप भगवान को बढ़िया अच्छे अच्छे पकवान बना के भगवान को ऑफर करिए ना। कुछ विरक्त लोग ऐसे होते हैं, साधु होते हैं, बोलते हैं नहीं 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 छप्पन भोग नहीं खाना है, केवल केवल क्या खाना है, उबला उबला आलू बस खाना है, बस नमक भी नहीं डालना है। कृष्ण भक्त अपने भक्तों को ऐसा नहीं बोलते, कृष्ण अपने भक्तों को बोलते हैं बनाओ रसगुल्ला, बनाओ रसमलाई, बनाओ पनीर, ढोकला, थेपला, पूरी, खीर, जो बनाना है बनाओ, प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, नॉन वेज नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। सात्विक तरीके से जो बनाना है बनाओ अच्छे से और मुझे अर्पण करो और फिर प्रसाद के रूप में सब फीस करो। इसलिए कृष्ण भक्त बहुत विद्वान होते हैं, विद्वान होते हैं, वो लोग क्या करते हैं। उसी प्रकार से तो मैंने एक उदाहरण दिया, उसी प्रकार से कोई भी परिस्थिति है, कोई भी व्यक्ति है, वस्तु, जैसे गृहस्थ भक्त है, गृहस्थ भक्तों को गृहस्थ आश्रम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने परिवार वालों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपना जॉब धंधा छोड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो सब इस्तेमाल करना चाहिए कृष्ण के सेवक। लेकिन अगर कोई भक्त है जिसके कोई ऐसे रिलेटिव है या सगे संबंधी है या मित्र है, सहयोगी है, जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने से प्रेरणा नहीं देते, वो बाधक बनते हैं, तो उनको उनको क्या करना चाहिए, उनसे केवल भौतिक कार्य के लिए ही संबंध रखना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए, त्याग नहीं सकते, लेकिन उनसे केवल अपना भौतिक शरीर, ठीक है शरीर का लेना देना है। जैसे मान लीजिए कोई स्त्री है, अभी उसका पति सपोर्ट नहीं करता है भक्ति में, तो ठीक है उस स्त्री को ये सोचना चाहिए कि ठीक है ये शरीर के पति है, आत्मा के पति तो कृष्ण है, तो शरीर के पति होने के, पति होने के नाते मैं इनका सेवा करूंगी, इनको खिलाऊंगी, जो करना है करूंगी, लेकिन मेरा असली संबंध भगवान से है, उनका भक्ति करूंगी चुपचाप, इनका जो इनके प्रति जो कर्तव्य है मैं पालन करूंगी। इस तरह से बच्चों को माँ बाप के प्रति, माँ बाप को बच्चों के प्रति, और अगर सब भक्त हैं तो सब भक्तों को
एक साथ मिलकर के कथा सुनना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, गीता भागवत पढ़ना चाहिए, सेवा करनी। और अगर कोई सदस्य भक्त नहीं है तो ठीक है, उनको अपने हिसाब से करने दीजिए, आप उनका जो भौतिक कर्तव्य है वो पालन करिए, बाकी अपना ज्यादातर समय भगवान के पास। ये शिक्षा है, छोड़ना नहीं चाहिए। ही मे इवन एक्ट एग्जैक्टली लाइक द इग्नोरेंट पर्सन हु इज टू मच अटैच्ड टू मटेरियल एक्टिविटीज, बट वन इज एंगेज्ड इन सच एक्टिविटीज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेंस ग्रेटिफिकेशन, वेयर इज द अदर इज एंगेज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द देयरफॉर द कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज रिक्वायर्ड टू शो द पीपल हाउ टू एक्ट एंड हाउ टू एंगेज द रिजल्ट्स ऑफ एक्शन फॉर द पर्पज ऑफ कृष्णा। इसीलिए जो कृष्ण भावना भावी यानी कृष्ण के भक्त हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें लोगों के सामने, समाज के सामने, कि किस प्रकार से कार्य करना चाहिए ताकि भौतिक कर्तव्य भी हो और साथ में हम भगवान के भक्ति में आगे भी बढ़ सकते हैं। श्लोकों में भगवान ये आज के श्लोक भगवान बताए, जैसे जो जो अज्ञानी लोग हैं वो कर्म के प्रति आसक्त होकर के कार्य करते हैं, उसी प्रकार से भगवान के भक्तों को उन्हीं प्रकार के कर्मों को, कर्तव्य को करना चाहिए, लेकिन उसके प्रति आसक्त ना होकर के एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के हेतु कि किस प्रकार से कार्य करें ताकि हम इस भाव बंधन से मुक्त हो जाएं। ये आज का श्लोक भगवान बताए। कल हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भक्त तो कार्य कर रहा है, लेकिन उसको उन व्यक्तियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए जो इस प्रकार से कार्य नहीं कर रहे, यानी जो मूर्ख की कैटेगरी में, अज्ञानी, अज्ञानी, अज्ञानी मतलब जो कार्य करते हैं फल के प्रति आसक्त, तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए अगले श्लोक में कल भगवान बताएंगे। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कल आइए, लेकिन कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, ऑनलाइन आइए। यहाँ पे केवल हर फ्राइडे को हम रहते हैं, तो आप अगर डेली इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ऑनलाइन करना, अपना लाभ करिए, आप ऐड हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।